नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः टावी तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं गौरव नरंजन, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, साथ ही साथ में आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम आपसे फिर से रूबरू हो रहे हैं एक महत्वपूर्ण बैच के लिए जिसका नाम है UPTET उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो फरवरी में होने की संभावना है, ठीक ना। और उसमें मैं आपको एनवायरमेंट पढ़ा रहा हूँ और साथ ही साथ उसी के लिए एक डेमो वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे प्रदूषण की, जिसमें हम बात करने चल रहे हैं आपसे किसकी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉल्यूशन अर्थात प्रदूषण। तो अगर हम बात करते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है, एक ऐसा टॉपिक है प्रदूषण जिससे प्रत्येक बार UPTET में साथ ही साथ आपका सुपर टेट हो एक से दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगर हम प्रदूषण की बात करते हैं कि प्रदूषण को हमें पढ़ना कैसे है, तो सबसे पहले देखिएगा कोई भी प्रदूषण रहेगा, सबसे पहले हमको यह जानना है कि प्रदूषण क्या है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं कहूं कि वायु प्रदूषण, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये होगा कि वायु प्रदूषण क्या है या वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, क्या है या इसी को हम कह सकते हैं किसे कहते हैं, वायु प्रदूषण क्या है या किसे कहते हैं, ठीक ना। दूसरा पॉइंट इसी में आ जाएगा कि प्रदूषण अगर ये है तो प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कुछ ना कुछ कारक होंगे, जैसे वायु प्रदूषण, तो सबसे पहले वायु प्रदूषण क्या है या वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, उसके बाद वायु प्रदूषण को उत्पन्न करने वाले कारक अर्थात प्रदूषण की बात कर रहे हैं तो प्रदूषण में हम अगला पॉइंट लिखेंगे प्रदूषण को उत्पन्न करने वाले कारक क्या है, प्रदूषण को उत्पन्न करने वाले कारक क्या है या कौन कौन से कारक हैं जो प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं। उसके बाद अगला देखेंगे अगर ये प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है तो इसका मानव पर या कह सकते हैं जीव जंतुओं पर भी, तो मानव पर या जीव जंतुओं पर इसका क्या, मानव पर या फिर हम लिख सकते हैं जीव जंतुओं पर इसका प्रभाव, ठीक ना, या हमारे वातावरण पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, ये पढ़ना होगा। और उसके बाद जो चौथा पॉइंट इससे बनेगा, अगर इसके मानव पर ये प्रभाव डालेगा तो सीधी सी बात है सकारात्मक प्रभाव तो पड़ेंगे, नकारात्मक ही प्रभाव पड़ेंगे, तो आखिर उन प्रभावों से कैसे बचा जा सके। मान लीजिएगा वायु प्रदूषण है, तो वायु प्रदूषण अगर फैल रहा है तो उसे हम कैसे कम कर सकते हैं कि या किस प्रकार उसे हम निजात पा सकते हैं, तो वायु प्रदूषण या प्रदूषण को रोकने के उपाय। तो कोई भी प्रदूषण हम पढ़ाएंगे आपको, आपको इन्हीं चारों पॉइंट पर गौर करना है। मान लीजिएगा हम यहां पर जल प्रदूषण पढ़ाएं तो जल प्रदूषण क्या है या जल प्रदूषण किसे कहते हैं, जल प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जल प्रदूषण पर मानव का क्या प्रभाव पड़ेगा, जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। मान लीजिएगा मृदा प्रदूषण पढ़ाते हैं तो मृदा प्रदूषण क्या है, मृदा प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन से हैं और मानव पर मृदा प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ेगा और मृदा प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, तो इस प्रकार से हमें पढ़ना होगा। तो प्रदूषण की बात करते हैं तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं कि प्रदूषण क्या है या प्रदूषण किसे कहते हैं, तो वास्तव में देखा जाए तो प्रदूषण क्या है, तो प्रदूषण एक समस्या है। प्रदूषण क्या है, प्रदूषण एक समस्या है, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन अभी हम इसको डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिएगा प्रदूषण, हमेशा कोई भी प्रदूषण हम आपसे कहें तो आप यही कहेंगे प्रदूषण सर एक समस्या है। अब किस प्रकार की समस्या है उसको हमें समझना है। देखिएगा मान लीजिएगा हम आपसे बात करते हैं वायु प्रदूषण की, मान लीजिएगा हम आपसे बात करते हैं तो वायु प्रदूषण की, हम आपसे कहेंगे कि वायु प्रदूषण क्या है, तो आप कहेंगे वायु प्रदूषण सर एक समस्या है। वायु प्रदूषण क्या है, एक समस्या है, हमेशा आपको बताना है। अब कैसी समस्या है, तो देखिएगा अगर हम वायु की बात करें तो वायु वायुमंडल में पाई जाती है, वायु वायुमंडल में पाई जाती है और वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं और उन गैसों में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, कितनी मात्रा में 78%, 78%। उसके बाद दूसरी जो सर्वाधिक मात्रा में गैस पाई जाती है वो ऑक्सीजन है, कितने प्रतिशत, 21%, कितने प्रतिशत है, 21%। यदि हम इन दोनों का योग कर दें तो ये कितना निकल कर आता है, यह निकल कर आता है 99%, कितना निकल के आता है 99%। अब देखिएगा अगर मान लीजिएगा हम ऐसा कर दें, अगर मान लीजिएगा इस प्रकार से हम कर देते हैं, तो देखिएगा यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा
कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, यदि नाइट्रोजन की मात्रा को हम 78 से 87 प्रतिशत कर दें, कितना कर दें, 87 प्रतिशत कर दें, और साथ ही साथ में ऑक्सीजन को हम 21 प्रतिशत से 12 प्रतिशत कर दें, इसमें हमने 10 प्रतिशत बढ़ा दिया है और इसमें 10 प्रतिशत हमने घटा दिया है, अभी भी अगर आप इसका योग करेंगे तो यह योग कितना निकल के आता है, 99, यह भी योग आता है और 99 इसके पहले भी योग आ रहा था। अब बताइएगा क्या अगर दोनों के योग देखेंगे तब तो यही कहेंगे आप कि सर दोनों के योग तो बराबर हैं, लेकिन अगर आप यहां देखेंगे तो नाइट्रोजन यहां पर 78 है और यहां पर 87 है, यहां पर ऑक्सीजन 21 है, यहां पर 12 है। एक्चुअल में हमारा सही आंकड़ा तो ये है, चूंकि वायुमंडल में जब 21 प्रतिशत ऑक्सीजन है तभी हम और आप श्वसन जैसी प्रक्रिया कर पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं। यदि इन गैसों के अनुपात में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो जाए, जैसे हमने किया है, यदि वायुमंडल में उपस्थित गैसों के अनुपात में, या ऐसा भी बोल सकते हैं वायुमंडल में उपस्थित गैसों की प्रतिशतता में यदि किसी प्रकार का कोई परिवर्तन उत्पन्न हो जाएगा या कोई परिवर्तन हो जाता है तो हमें सांस लेने में समस्या होने लगेगी। सांस लेने में हमें प्रॉब्लम समस्या होने लगेगी और इस समस्या को ही क्या नाम दिया जाएगा, इस समस्या को ही नाम दे दिया जाएगा वायु प्रदूषण। डेफिनेशन क्या बना दी मैंने, समझाने का तरीका है, डेफिनेशन क्या हो गई कि वायुमंडल में उपस्थित गैसों की प्रतिशतता में या वायुमंडल में उपस्थित गैसों की मात्रा में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली समस्या को, उत्पन्न होने वाली समस्या को क्या कहेंगे, वायु प्रदूषण। लेकिन यहां पर हम किसी प्रदूषण की बात नहीं, किसी प्रॉपर किसी प्रदूषण की बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम प्रदूषण पढ़ा रहे हैं अभी आपको। प्रदूषण क्या है तो आप कहेंगे प्रदूषण एक समस्या है। अब मान लीजिएगा इसी का अगर हम उदाहरण आपको जल के सापेक्ष में दें तो जल का मुख्य कार्य क्या है, जल को हम पीने के रूप में ग्रहण करते हैं, जल को हम पीते हैं, यदि उस जल में हम कुछ अवांछनीय तत्व मिला दें, यदि उस जल में हम गंधक मिला दें, उस जल में यानी कोई किसी भी प्रकार के कोई अशुद्धि मिला देते हैं तो क्या हुआ है, जल पीने योग्य रहेगा, नहीं रहेगा सर। और जब जल पीने योग्य नहीं रहेगा तो उस जल को पीने, तो हमें पानी पीने में क्या होने लगेगी, समस्या होने लगेगी और उसी समस्या को हम क्या नाम दे देंगे, जल प्रदूषण। अर्थात कहने का तात्पर्य है प्यारे बाबू कि प्रदूषण क्या है, प्रदूषण एक समस्या है, प्रदूषण एक समस्या है। और प्रदूषण उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं, प्रदूषण उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं या जिन पदार्थों के द्वारा प्रदूषण उत्पन्न होता है उन्हें क्या नाम दिया जाता है, उनको नाम दिया जाता है प्रदूषक। क्या नाम दिया जाता है, प्रदूषक पॉपुलेंट। तो कोई भी पदार्थ जो वातावरण में किसी भी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न कर रहा हो उसे हम पॉपुलेंट इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं प्रदूषक। तो इसी को अभी हमें समझना है, इसी को समझना है प्रदूषक। तो प्रदूषक क्या हो जाएंगे, ऐसे पदार्थ जो वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करते हैं वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करते हैं उन्हें प्रदूषक कहते हैं। क्या कहते हैं, उनको नाम दिया जाता है प्रदूषक। और ये प्रदूषक जो है, ये प्रदूषक कई प्रकार के होते हैं, प्रदूषकों का हम वर्गीकरण करते हैं, है ना। तो ऐसे पदार्थ जो वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करते हैं उन्हें प्रदूषक कहते हैं। और प्रदूषकों का विभाजन किया गया किस आधार पर किया गया, तो इसके चार आधार बताए गए हैं। पहला जो आधार है वो है उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषक, या आप कह सकते हैं प्रदूषकों के प्रकार पढ़ रहे हैं हम, तो उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषक। उत्पत्ति के आधार पर
उसके बाद अगला आता है उत्पत्ति के बाद स्वरूप के आधार पर, स्वरूप के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद है आपका स्वरूप के आधार पर, उसके बाद आता है अवस्था के आधार पर, ठोस अवस्था में पाए जाएंगे या द्रव अवस्था में पाए जाएंगे या गैस अवस्था में पाए जाएंगे, अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर और अगला जो होता है चौथे नंबर पर ए हो जाएगा आपका क्या, तो ये हो जाएगा सूक्ष्म जीवों के द्वारा, या सीधा लिख देते हैं निस्तारण प्रक्रिया के आधार पर, सूक्ष्म जीवों के द्वारा निस्तारण प्रक्रिया, निस्तारण प्रक्रिया के आधार पर। अब इन्हीं को एक एक से हमें आपको समझाना है, निस्तारण प्रक्रिया के आधार पर। तो प्रदूषक चार प्रकार के होते हैं, या प्रदूषकों को चार भागों में बांट सकते हैं, उत्पत्ति के आधार पर बांट सकते हैं, स्वरूप के आधार पर बांट सकते हैं, अवस्था के आधार पर बांट सकते हैं और निस्तारण प्रक्रिया के आधार पर। तो एक एक से चलते हैं, उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषक, उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषक, उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषक। और उत्पत्ति के आधार पर जो प्रदूषक हैं वो दो प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक प्रदूषक और दूसरा मानव जनित प्रदूषक। ऐसे प्रदूषक जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हों उन्हें प्राकृतिक प्रदूषक कह सकते हैं, और ऐसे प्रदूषक जिनका निर्माण मानव के द्वारा किया गया हो उन्हें क्या कहेंगे, मानव जनित प्रदूषक। अब प्राकृतिक प्रदूषकों में देखिएगा किस किस को शामिल किया जाएगा, प्राथमिक प्रदूषक में ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा निकला लावा, ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा निकली गैसें, ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा निकली राख, है ना। तो हम सीधा सा प्राकृतिक प्रदूषक का एक उदाहरण यहां पर लिख देते हैं, ज्वालामुखी प्रक्रिया। क्या हो गई, ज्वालामुखी प्रक्रिया। तो ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा जल प्रदूषण भी होगा भाई, ज्वालामुखी प्रक्रिया में लावा निकलेगा वो जाके पानी से मिल सकता है, अन्य गैसें निकलती हैं, सल्फर निकलती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, वायु में मिल जाएंगे, राख है वो भी वायु में मिल जाएगी, तो वायु प्रदूषण उत्पन्न हो जाएगा। कौन सा प्रदूषण, वायु। दूसरा बादलों की गर्जना, गर्जना, बादल गरजते हैं, बादल गरजेंगे तो आवाज होगी, आवाज होगी तो ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होगा। तो ज्वालामुखी प्रक्रिया हो गई, बादलों की गर्जना हो गई। बादलों की गर्जना के बाद अगली अगर बात करते हैं प्राकृतिक प्रदूषकों में, तो अगला हो जाएगा आपका भूस्खलन, लैंडस्केप बोलते हैं, भूस्खलन की प्रक्रिया, भूस्खलन की प्रक्रिया क्या होती है, तो भूस्खलन की प्रक्रिया में धरातल क्या होता है, नीचे धस जाता है, मृदा प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो ज्वालामुखी की प्रक्रिया, बादलों की गर्जना, भूस्खलन की प्रक्रिया, ये किस प्रकार के AI प्रक्रिया किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करेंगी, प्राकृतिक, या इन क्रियाओं के द्वारा जो प्रदूषण उत्पन्न होगा उसको हम प्राकृतिक प्रदूषण की श्रेणी में रखेंगे, प्राकृतिक प्रदूषक, ठीक ना। मानव जनित, तो सभी जो मानव क्रियाएं करता है, जैसे अंडे के छिड़ले फेंक देना, सड़े हुए जो पदार्थ है, मान लीजिएगा कूड़ा करकट है, उसका सही से निस्तारण न करना, खुले में सोच की प्रक्रिया करना, खुले में मलमूत्र को बहाना, तो ये सारी प्रक्रिया किसके अंतर्गत आ जाएंगी, ये सारी प्रक्रिया मानव के द्वारा की जा रही है, मानव जनित। जैसे पुआल का जलाना, पुआल भाई अपने आप तो नहीं जलता है, खेत में जो बचा रह जाता है अवसाद जिसे बोलते हैं हम पुआल, तो पुआल अपने आप तो नहीं जलता है, बल्कि पुआल को क्या होता है, मानव आग लगाता है तब उसका, तब वो जलता है। तो पुआल का जलना ये भी किसकी प्रक्रिया हो जाएगी, मानव जनित प्रक्रिया हो जाएगी। तो देखिएगा
कूड़ा करकट, कूड़ा करकट का सही निस्तारण न करना, कूड़ा करकट का सही निस्तारण न करना, मलमूत्र, मलमूत्र का सही निस्तारण न करना, मलमूत्र का सही निस्तारण न करना, मलमूत्र का सही निस्तारण न करना, और क्या हो सकता है? कृषि संबंधित अवसादों को जलाना, कृषि संबंधित अवसादों को जलाना, कृषि संबंधित अवसादों को जलाना, तो यह मानव जनित प्रदूषक हो जाएंगे। तो इनके द्वारा जो प्रदूषण उत्पन्न होगा या इनके द्वारा जो प्रदूषक उत्पन्न होंगे उन्हें मानव जनित प्रदूषक कहेंगे, ठीक ना। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने बात की, उत्पत्ति के आधार पर तो एक हो गया प्राकृतिक, दूसरा मानव जनित। अब कौन सा है? तो स्वरूप के आधार पर, स्वरूप के आधार पर प्रदूषक, स्वरूप के आधार पर प्रदूषक, स्वरूप के आधार पर दो प्रकार के प्रदूषक होते हैं। पहला प्राथमिक प्रदूषक, प्राइमरी पॉपुलेंट, प्राथमिक प्रदूषक, और दूसरा क्या हो जाएगा? मानव जनित प्रदूषक, एक हो गया प्राथमिक प्रदूषक और स्वरूप के आधार पर दूसरा होता है द्वितीयक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक। अगर हम प्राथमिक प्रदूषकों की बात करते हैं तो प्राथमिक प्रदूषक ऐसे प्रदूषक को कहते हैं, प्राथमिक प्रदूषक ऐसे प्रदूषक को कहते हैं जो अकेले अकेले प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, और द्वितीयक प्रदूषक ऐसे प्रदूषकों को कहा जाता है जो किसी दूसरे प्रदूषक के साथ मिलकर, किसी दूसरे प्रदूषक के साथ मिलकर क्या करते हैं? प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो स्वतंत्र अवस्था में प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, स्वतंत्र अवस्था में प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अब इनके अंतर्गत जैसे कौन कौन सी गैसें हो सकती हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO, NO2 और N2O, ठीक ना, अमोनिया हो गई आपकी, अमोनिया हो गई, कार्बन डाई हो जाती है आपकी, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है आपका, ठीक ना। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? ये स्वतंत्र अवस्था में किसी दूसरे गैस के मिलने से प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते। ये एक ही गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या नाइट्रिक अम्ल है, तो ये सब जो है वो स्वतंत्र अवस्था में ही प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, इसलिए प्राथमिक प्रदूषक। अब द्वितीयक प्रदूषक में हम अगर लिखें तो क्या लिखेंगे? किसी दूसरे प्रदूषक या ऐसे लिख लेते, किसी दूसरे प्रदूषक के साथ मिलकर प्रदूषण उत्पन्न करने वाले प्रदूषक, तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे द्वितीयक प्रदूषक। जैसे जब इस कलर से लिखते हैं, जैसे जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस
जल से क्रिया कर लेती है तो निर्माण कर देती है H2SO3 का, तो एक द्वितीयक प्रदूषक हो गया। किसी दूसरे के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड किसी दूसरे गैस के साथ मिलकर जलवाष्प के साथ मिलकर H2SO3 का निर्माण करती हुई यही प्रदूषण उत्पन्न करेगा। अगला हो जाएगा H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल जो होता है वह पुनः H2O से क्रिया करके किसका निर्माण कर देता है सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 का, तो यह भी एक द्वितीयक प्रदूषक हो गया। उसके बाद अगली बात की जाए तो जैसे नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड ले लीजिएगा, चाहे NO लीजिएगा, चाहे NO2 लीजिएगा, चाहे N2O लिखिएगा, ये क्या करेंगे, ये जल के साथ क्रिया करेंगे और जल के साथ क्रिया करके किसका निर्माण कर देते हैं नाइट्रिक अम्ल का HNO3 का निर्माण कर देते हैं। किसका, नाइट्रिक अम्ल HNO3 का निर्माण कर देते हैं। और जब ये HNO3 का निर्माण करेंगे तो इन्हीं को क्या नाम दिया जाएगा, इन्हीं को नाम दिया जाता है द्वितीयक प्रदूषक। तो ये कौन से प्रदूषक हो जाएंगे, द्वितीयक। किसी दूसरे प्रदूषक, एक प्रदूषक ए एक प्रदूषक ए, हम ऐसा भी लिख सकते हैं जब दो प्रदूषक एक साथ मिलकर प्रदूषण उत्पन्न करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है। तो ये जो अम्ल है तीनों ये सब के सब किसके श्रेणी में आ जाएंगे, द्वितीयक प्रदूषक के श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। साथ ही साथ में एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, ये नंबर है आपको यूपी टेट बैच में ज्वाइन करने के लिए, इस नंबर पर यूपी टेट के बैच में ज्वाइन करने के लिए आपको 9005815849 इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से यूपी टीटी एंट्री लिखकर हमें सेंड कर दीजिएगा। हमारी जो टीम है वो आपसे संपर्क करेगी और साथ ही साथ आपका एडमिशन सुनिश्चित कर दिया जाएगा। उत्तर भारत बल्कि पूरे भारत के सबसे अच्छे टीचरों से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक ना, तो आइएगा जल्दी से इस मैसेज कीजिएगा और जल्दी से जो बैच चल रहा है उसमें जुड़ जाइएगा। बकाया जो भी विद्यार्थी हैं जो पेड बैच में पढ़ रहे हैं वो आपको बता सकते हैं कितनी ईमानदारी पूर्वक कितनी ईमानदारी से सारी क्लासेस संचालित हो रही है। ठीक है, आगे आइएगा। तो उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषक हम लोगों ने देख लिया और स्वरूप के आधार पर, अब बात करते हैं अवस्था के आधार पर प्रदूषक। अवस्था के आधार पर, और अवस्था के आधार पर अगर बात करते हैं तो तीन प्रकार के प्रदूषक होते हैं अवस्था के आधार पर। कुछ ऐसे होंगे जो ठोस अवस्था में पाए जाएंगे ठोस प्रदूषक, कुछ ऐसे होंगे जो द्रव अवस्था में पाए जाएंगे द्रव प्रदूषक, कुछ ऐसे होंगे जो गैसीय अवस्था में पाए जाएंगे गैसीय प्रदूषक। जो गैस अवस्था में पाए जाएंगे वो गैसीय प्रदूषक। तो अवस्थाएं तीन होती हैं, ठोस द्रव गैस। कुछ ऐसे होंगे जो ठोस अवस्था में, कुछ ऐसे होंगे जो द्रव अवस्था में प्रदूषक पाए जाएंगे और कुछ गैस अवस्था में। अब हमें तो नहीं लगता एक बताने की जरूरत है, चलिए तब भी हम लिख देते हैं। अगर देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहां से गैसीय अवस्था में बात करते हैं तो जितनी भी गैसें आपकी होती हैं, जितनी भी आपकी गैसें होती हैं, CO हो गया, CO2 हो गया, SO2 हो गया, NH3 हो गया, है ना, NH3 हो गया आपका। उसके बाद नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो जाते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो जाते हैं, मीथेन गैस हो जाती है, CH4 हो जाती है, ठीक ना, मीथेन हो जाती है। तो ये सभी गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले प्रदूषक है। अगर द्रव अवस्था की बात करते हैं तो जैसे आपकी यूरिया है, यूरिया द्रव अवस्था में प्रदूषण, जब वो घुल जाती है यूरिया तभी प्रदूषण उत्पन्न करती है। जैसे अमोनिया है, यूरिया हो गया, यूरिया के बाद क्या हो जाती है, अमोनिया हो जाती है। अमोनिया के साथ साथ नाइट्रेट युक्त जल, ऐसा जल जिसमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो, नाइट्रेट युक्त जल, ठीक ना, तो ये सब किसमें आ जाएंगे, द्रव अवस्था में आ जाएंगे। और वही ठोस अवस्था की बात करते हैं तो एरोसॉल हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, एरोसॉल हो जाता है आपका। और अगली बात करें तो सीसा हो जाता है, सीसा, पारा हो जाता है, सिलिका हो जाता है, सीसा पारा सिलिका, सेरेमिक्स हो जाता है, सेरेमिक्स, ये सब किस अवस्था में पाए जाएंगे, तो ये सब ठोस अवस्था में पाए जाने वाले प्रदूषक हैं। तो अवस्था के आधार पर ये तीन प्रकार के प्रदूषक होते हैं, कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, ठीक ना। अब
इनको हम फिर बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक ना, जहां पर जो उपयोग में होगा उसी को हम फिर डिटेल से पढ़ेंगे। अगला देखिएगा, एक और बचता है, निस्तारण प्रक्रिया के आधार पर कुछ ऐसे प्रदूषक भी हैं जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा निस्तारण किया जाता है, ठीक ना। निस्तारण का मतलब होता है कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा या तो उनका अपघटन कर दिया जाएगा या उनका अपघटन नहीं हो पाएगा। तो निस्तारण प्रक्रिया के आधार पर निस्तारण प्रक्रिया के आधार पर निस्तारण प्रक्रिया के आधार पर और निस्तारण प्रक्रिया के आधार पर दो प्रकार के प्रदूषक होते हैं। एक सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटनीय प्रदूषक जिनका अपघटन हो जाएगा सूक्ष्म जीवों के द्वारा या सूक्ष्म जीवों के द्वारा जिनका निस्तारण हो जाएगा, और एक सूक्ष्म जीवों के द्वारा अनअपघटनीय प्रदूषक, अन अपघटनीय प्रदूषक, अनअपघटनीय प्रदूषक। अनअपघटनीय प्रदूषक, ठीक ना। तो ऐसे प्रदूषक भी हो जाएंगे जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन हो जाता है। जैसे अगर हम जैसे बात करते हैं तो जैसे वह कौन कौन से प्रदूषक हो सकते हैं, तो जैसे मलमूत्र हो गया जिनको सूक्ष्म जीव ग्रहण कर सकते हैं, मलमूत्र प्रदूषक, बहता हुआ पानी हो गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं बाहित जल, बहता हुआ पानी। अगला लिख सकते हैं हम कूड़ा करकट, कूड़ा करकट। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा निस्तारण किया जा सकता है, अपघटन किया जा सकता है। और ऐसे जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन न किया जा सके, जैसे यूरिया, ठीक ना, जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक एवं पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक एवं पॉलीथीन, ठीक ना। तो और जो भी आप सोच सकते हैं, सूक्ष्म जीवों का यहां पर तात्पर्य क्या है, तो यहां पर सूक्ष्म जीवों से तात्पर्य है आपके जीवाणु हैं, आपके कवक हैं, आपका जीवाणु हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजुआ हो गया। तो ये जो सूक्ष्म जीव है, या फिर चींटी वगैरह हो गया, ये भी इनको भी हम लिख सकते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव है, जो थोड़े थोड़े से सूक्ष्म जीव है, वो किन किन पदार्थों को खा सकते हैं, जिनको वो खा सकते हैं उनको हम लिख देंगे अपघटनीय प्रदूषक में, और जिनको वो खा नहीं सकते हैं भोजन के रूप में उनको हम लिख देंगे अनअपघटनीय प्रदूषक में। किस में लिख देंगे, अनअपघटनीय। बहुत सारे हो सकते हैं इसमें, पारा है, कैडमियम है, आर्सेनिक है, सिलिका है, बालू है, ये सब किस में आ जाएंगे, अनअपघटनीय में, ठीक ना। तो ये आपके जो मैंने आज आपका टॉपिक लिया है वो लिया था प्रदूषण, और प्रदूषण में हम लोगों ने पढ़ा क्या है प्रदूषण, तो मैंने बताया समस्या है, फिर प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक जो होते हैं उन्हें प्रदूषक कहते हैं, जैसे गैस है, जो भी ऐसी पदार्थ जिनके द्वारा प्रदूषण उत्पन्न हो रहा हो उनको हम प्रदूषक कहेंगे। जैसे पंखा, ये भी प्रदूषक है। अगर मान लीजिएगा पंखा आपका चल रहा हो, टक 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 की आवाज कर रहा है, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं हलचल होगा, और इस जो टक 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 की आवाज करेगा, इससे कौन सा प्रदूषण उत्पन्न होगा, ध्वनि प्रदूषण। कौन सा प्रदूषण उत्पन्न होगा, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होगा, और ध्वनि प्रदूषण पंखा के द्वारा हो रहा है, तो पंखा भी एक प्रदूषक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रदूषक। अब ये प्रदूषक मानव पर क्या प्रभाव डालेंगे, तो अगर हम बात करें कि प्रदूषकों का मानव पर जो प्रभाव होगा वो सकारात्मक तो नहीं होगा, वो नकारात्मक ही होगा, है ना। अब जो प्रदूषक पढ़ेंगे उसी के द्वारा नकारात्मक क्या प्रभाव डाले जाएंगे वो पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिएगा वायु प्रदूषण, तो हमें सांस लेने में समस्या हो सकती है, हमारे फेफड़ों में दर्द हो सकता है, है ना, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो सकती है। जैसे मान लीजिएगा बात की जाए जल प्रदूषण, तो पानी पीने से कई प्रकार की विषैला पानी या प्रदूषित पानी पीने से कई प्रकार की समस्या हो सकती है, हैजा है, पीलिया है, डायरिया है, अतिसार है ना, ये सारी चीजें हो सकती हैं।
अगर पानी में नाइट्रेट की मात्रा अधिक है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपने नाम सुना होगा पारा, पारा को मिनीमाता की खाड़ी में ही फैला था, वहां के लोगों ने खा लिया, मिनीमाता रोग उत्पन्न हो गया था जिसमें शरीर सुन्न पड़ जाएगा। तो कोई भी प्रदूषक मानव पर सकारात्मक या पॉजिटिव इफेक्ट नहीं डालेगा, वो हमेशा निगेटिव या नकारात्मक ही प्रभाव डालेगा, ठीक ना। तो प्रदूषक का प्रभाव, उसको रोकने के उपाय, ये आपको अपने आप समझना है। आप कोई भी प्रदूषक होगा, ध्वनि प्रदूषण कैसे रोक सकते हैं, हम लोग पर्दे लगा देते हैं, बाहर की आवाज अंदर ना पाए, अंदर की आवाज बाहर ना जा पाए, है ना। पेड़ पौधों को लगाते हैं हम, हवा को स्वच्छ रखने के लिए कहा जाता है, अधिक मात्रा में वृक्षों को लगाइए। क्यों कहा जाता है? इसलिए तो कि हमारा पर्यावरण हमेशा साफ बना रहे, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। समस्या ना हो अर्थात वो प्रदूषित ना हो, समस्या ना हो अर्थात वो प्रदूषित ना हो। एक बार से मैं आपको फिर से रिकॉल करा रहा हूं कि तारवी तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में UPTET का बैच चलाया जा रहा है, जिसमें प्रवेश प्रक्रिया पुनः प्रारंभ है। 9005815849 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप एंट्री करना है और आपको एडमिशन की प्रक्रिया से जोड़ दिया जाएगा। जो भी बैच के सामान्य सदस्य पढ़ रहे हैं वो आपको जानकारी दे सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से आपकी क्लासों को संचालित किया जा रहा है, ठीक है। चलेगा, तो अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे और उस अगले वीडियो में प्रदूषण को ही हम आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम अध्ययन करेंगे वायु प्रदूषण का। किसका अध्ययन करेंगे? वायु प्रदूषण का, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।